सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलिसी बाजार सिंगाची इंडस्ट्रीज एंड एसजेएस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के आईपीओस का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 31 अक्टूबर 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी बाजार के आईपीओ की। देखिए जो आईपीओ है 1 से 3 नवंबर के बीच ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 940 से 980 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 980 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 15 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 10% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन प्रीमियम करीब 160 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 980 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 160 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 1140 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए ऊपरी स्तरों से इसका प्रीमियम लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम 300 रुपए के आसपास हुआ करता था और देखिए इसमें काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है और 160 रुपए पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए गिरावट की वजह एक ही है कि मार्केट में कुछ दिनों से प्रेशर का माहौल चल रहा है और मार्केट काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण जितने भी आईपीओ आए हुए हैं सभी के ग्रे मार्केट प्रीमियम पर असर देखने को मिला है। लेकिन लिस्टिंग अभी दूर है तो हो सकता है कि मार्केट का प्रेशर हट जाए और वहां यहां पर आपको और भी अच्छा प्रीमियम मिलता हुआ नजर आए, क्योंकि कंपनी बढ़िया है, कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बढ़िया है, जिसके कारण यहां पर निवेशकों का पूरा पूरा साथ इस आईपीओ को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मेरी माने तो यहां पर आपको शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए तो अप्लाई करना ही है, साथ ही साथ आपको यहां पर लंबी अवधि के लिए ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यानी लिस्टिंग गेन यहां पर थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करके चलते हैं तो निश्चित रूप से आगे चलकर आपको काफी बेहतरीन मुनाफा होने की संभावना है। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट आईपीओ है सिंगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ और ये आईपीओ भी 1 से 3 नवंबर के बीच ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 161 से 163 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 163 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 90 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए इशू साइज की बात करें तो यह काफी छोटा आईपीओ है, मात्र 125 करोड़ के आसपास का यह इशू है, यानी कि यहां पर अलॉटमेंट में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो अगर आपको अपनी पॉसिबिलिटी बढ़ाना है, अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी को बढ़ाना है, तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से ही अप्लाई करना होगा। और देखिए इतना छोटा इशू है कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने के बावजूद आपको हो सकता है यह आईपीओ ना मिले, तो देखिए अप्लाई आपको जरूर करना है। वहीं अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो 135 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है, यानी कि 163 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 135 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 298 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए इसका जो प्रीमियम है लगातार अपने शुरुआती दिनों से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम 50 रुपए के आसपास चल रहा था, दूसरे दिन देखा तो 100 रुपए के आसपास था, कल के दिन देखा तो 120 रुपए के आसपास था और आज देख सकते हैं 135 रुपए के आसपास ये पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि करीब करीब डबल भाव के आसपास इसका प्रीमियम पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और आप यहां पर सब्जेक्ट टू रेट भी देख सकते हैं, करीब 10,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है, तो काफी बेहतरीन यहां पर लिस्टिंग के दिन आपको मुनाफा होने की संभावना है। तो देखिए यहां पर मिलना तो मुश्किल है, लेकिन आपको अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए और आपको हर डीमैट अकाउंट से, जितने भी डीमैट अकाउंट आपके पास हैं अलग अलग नाम के, सबसे कम एक एक लॉट आपको इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करना है। अगर आपको एक लॉट भी मिल गया तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और यहां पर आपको काफी बेहतरीन मुनाफा होता हुआ नजर आ सकता है।
नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट आईपीओ है एसजेएस एंटरप्राइजेस लिमिटेड का आईपीओ, और ये आईपीओ भी 1 से 3 नवंबर के बीच ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 531 से 542 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 542 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 27 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन प्रीमियम करीब 25 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 542 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 25 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 567 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए शुरुआती दिनों से इसमें कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कल ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट हुआ था और कल के दिन ये 26 रुपए के आसपास चल रहा था। यहां पर आज के दिन देखा जाए तो ये 25 रुपए पर पहुंच गया है, यानी कि थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल रहा है। 542 रुपए से अगर कंपेयर करेंगे तो ये काफी कम प्रीमियम है लिस्टिंग के दिन, इससे अच्छा तो कोई शेयर में मूवमेंट हो जाता है। तो देखिए यहां पर आपको ये सलाह रहेगी कि शॉर्ट टर्म में इस आईपीओ को थोड़ा सा आपको जो रिटेल निवेशक हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं और आप इस शेयर को रख सकते हैं 3-4 साल, तो निश्चित रूप से इस शेयर में आप अप्लाई करें, क्योंकि देखिए डिजाइनिंग से रिलेटेड कंपनी और निश्चित रूप से आगे ये कंपनी ग्रोथ करने वाली है। तो आपको यहां पर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहां पर कम लिस्टिंग गेन या फिर ये डिस्काउंट प्राइस पर लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है, या आपने इश्यू प्राइस के आसपास ही ये लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको इन 3 आईपीओज में से किन्हीं 2 आईपीओज को चूज करना है तो निश्चित रूप से आपको पहला पॉलिसी बाजार आपका प्रेफरेंस होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए आपका सिंगाची इंडस्ट्रीज। देखिए सिंगाची इंडस्ट्रीज को मैंने दूसरे स्थान पर इसलिए रखा है क्योंकि इश्यू प्राइस बहुत छोटा है और आप उसमें अप्लाई करें या ना करें आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना छोटा इशू है कि मुझे लगता है कि 50-100 गुना वो सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको मिलना एकदम इम्पॉसिबल टाइप लगेगा। तो इसलिए आपको जो प्राइमरी रखना है वो पॉलिसी बाजार का रखना है और दूसरा रखना है अपना सिंगाची इंडस्ट्रीज का। तो दोनों में ही आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, और मैंने आपको बताया है कि किसमें कितना प्रीमियम मिलने की संभावना है। आगे देखते हैं, डेली मैं प्रीमियम अपडेट यहां पर करता हूं और आपको बताता हूं कि भाई डेली आपको इस आईपीओ में कैसा रुझान देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहां पर मैं डेली आपको अपडेट प्रोवाइड करता हूं, शेयर मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।